वो कहते ताड़ी पे जाते रोग बैठ जाएगा, फिर ताड़ियाँ तो फिर डॉक्टरों नहीं बैठ जाएंगे जो ताड़ियाँ था रोग लग के बाद। ये सबसे बुरा है। मैंने एक बात भी ये बता देगा, इसने जितने भी बयान दे रखे हैं कोई एक सच्ची बता दो, मैं बताया इसको भी इन्हें एक सच्ची कही है बस। ये तो ये जो से ये भी फिर है नहीं कांग्रेस कुंग्रेस वाले और लटर पटर, अगर मैं अग्गे आऊँ क्यों अब किसानों ने बछड़े तो दिए बोले तो बनाए दिए था मेरे फैटा ठह लो ये मारे गुजर भी कई कर दे अगे कच्छे में इसलिए बड़े बदमाश हैं और इन्हें वोट ना दिए करो। इतना बड़ा पापी आज 15वां प्रधानमंत्री है, इतना बड़ा अरे पापी थे पिछले भी जब नहीं 15वां प्रधानमंत्री है तू धक्के तो को बेटे मेरे नाम तो भगवान का मेरे को सुखपाल कह देते हैं और संत सुखपाल भी कहते हैं, मैं आधा संत भी हूँ। आधे संत किस तरह? ओ यार पूरा संत नहीं हूँ, जैसा भगत होना चाहिए वो पूरा नहीं हूँ, यानी अधूरा संत हूँ मैं। हाँ पूरा किस तरह होगा भगत मतलब? पूरा तो ऐसा होगा बड़ा त्यागी होना चाहिए हैं, अरे हम तो कहने पांच रोट खा जाए यार फिर त्यागी करे, संत ने तो एक रोटी ही खानी चाहिए, इसलिए मैं अपने आप को पूरा संत नहीं मानता भाई, अधूरा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, देखो वो भगवान की मर्जी है हैं क्या रहे। अच्छा अच्छा एक बात बताओ आप, जब एक रोटी खाओगे संत वो बेचारा चल रहा है किस तरह जियोगे किस तरह दुनिया? बिल्कुल यार ऐसे संत भी हैं जो बिल्कुल रोटी खाते नहीं पानी भी नहीं पीते, छत्तीसगढ़ में एक जिन्हें 20 साल हो गए ना पानी पिया है और ना उन्हें रोटी खाई है, ये तो भगवान का अजब खेल है यार, ये कोई जरूरी नहीं है अभी रोटी खाने से जीतता है, पर उसमें ध्यान होना चाहिए, वो बिना रोटी भी खाए बिना पानी पिए भी जी सकता है इंसान, योग होना चाहिए उसके पास उसके पास। तो आप जिस तरह आधे संत हो तो आप तो आधी रोटी में भी जी सको मतलब फिर हिसाब भाई जे नहीं मैं करता हूँ यार मैं कोशिश वीडियो में करता हूँ। जब आपने आधी रोटी चाहिए फिर उसे किसान का क्या अंदर बैठे धरना यार, किसान का घर में जन्म हुआ है और मैं सोचूं भाई पाप करना तो बुरा है और पाप सहना भी बुरी बात है, इतना बड़ा पापी आज 15वां प्रधानमंत्री है, इतना बड़ा अरे पापी थे पिछले भी जब नहीं 15वां प्रधानमंत्री है तू धक्के तो को बेटे मेरे आपने गए इतना बड़ा से कंधा मान्या जावेगा नहीं ये मान्या जावेगा, अच्छे बतेरे थे यार लाल बहादुर शास्त्री से जैसे थे अच्छे बतेरे थे, उनमें कोई मारे नहीं, यानी ये सबसे बुरा है। मैंने एक बात भी ये बता दे कि इसने जितने भी बयान दे रखे हैं कोई एक सच्ची बता दो, मैं बताया इसको भी इन्हें एक सच्ची कही है बस, बाकी इन्हें 15 लाख का झांसा दिया उसमें आवेंगे, किसानों को कहा भाई तेरे ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, तो जितनी इसने घोषणाएं करी हैं 2 लाख वो 2 करोड़ बच्चों ने रोजगार दूंगा, हाँ ले था मैं आप तो पत्रकार हो सब तो सियाने माने जाओ, ले इसकी सच्ची बता दो, मैं बताऊंगा थाना जी ने सच्ची क्या कही है, एक सच्ची है वो, ये कहता जोड़ा ठेका बेच दूंगा जो देखा भाई तेने देश में उत्ती की तो बजानी है जो जो ज्यादा भी भिड़ जगह नहीं देश फिर भेज दूंगा है कह बोलिया इसने ये बात और इसकी सच्ची उन्होंने कुछ और संदर्भ में कही थी। अरे सही तो युए था भगवान कड़ा हुआ यार सच्ची बात है, हाँ ये सच्ची बात तो यही थी कि देश में तेन इसने आज तक सच तो बोल के देखे नहीं है, इसका ब्याह भी झूठ बोल के हुआ था, हाँ अनपढ़ आदमी अरे भाई यू इसकी इसके लक्षणों से बेरा पड़ता है कि अनपढ़ आदमी है यार, इसके अंदर दया धर्म नहीं है बिल्कुल भी। ताऊ जी पीछे पूछ रहे हैं आपने के बताओ झूठ बोल के ब्याह हुआ था? अरे इसके लक्षण बताओ मैं यार और न्यू तो के बता बेरा पटे कि ये पढ़े लिखे नहीं है यार, दया होती है विद्वान लोगों के दया होती है, वो कानून कायदा भी जानते हैं, इन्हें इन्हें जो इम्तहान लिया नहीं इसका भारत की जनता का, वो कहते ताड़ी पे जाते रोग बैठ जाएगा, फिर ताड़ियाँ तो फिर डॉक्टरों नहीं बैठ जाएंगे जो ताड़ियाँ था रोग लग के बाद, अगर एक थाली पे जाते उस तक बैठ जाएगा, दीवे ले दो उस तक बैठ जाएगा, पता इसका क्या होया कि अनपढ़ आता वहाँ दिखती है इसकी कि इन्हें सोचा कि सारा देश तेरी मुट्ठी के काबू में है, तेरे कहने से ताड़ी बजा दी और तेरे कहने से दीवे ले दिए थाली बजा दी, इन्हें ये नहीं सोचा कि राम राम में टाइम टाइम में तो फर्क होता है, और कोरोना का बहाना लेके और किसानों के तीन कानून थोप दिए उनके ऊपर, उजाड़न वाला काम कर दिया किसानों का, तो इसका बेरा पड़ता है कि ये पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ आदमी है। अच्छा आप तो सर संत हो धार्मिक आदमी हो महात्मा हो, ये किसानों को जो कानून है ठीक है संघर्ष कितना का अच्छा हुआ, संत भी तो कहें संघर्ष तो बचना चाहिए जिस तरह है अपने भगवान रखा उस स्थिति में रहना चाहिए। नहीं भाई ऐसा है मैं नहीं मानता इस बात को भाई, हमारे सामने कोई पाप होने लग रहा हैरान हो यार आंख नीचे बैठे हो तो हम पाप के धनी भी हैं, फिर हम भी पाप के भागीदार हैं, हाँ भाई ये जुल्म राज है ये राज नहीं है, मैं तो ये सोचता हूँ भाई अरे यार हमारे सत्संग लागे कर दे
वो जब जल से करता है यूं कहीं, वहाँ तो कोरोना कुछ कंधा नहीं ना। जब हम कहीं सत्संग लगाते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं, वहाँ कोरोना तंग करता है। रेलें बंद कर दी, बस चलने लग रही हैं और अपने जल से लग रहे हैं कर्ण। तो ये तो भाई मैं तो इसको जुल्म राज मानता हूँ। और इब आगे ऐसा लगा, ऐसा संभव लगा मैंने कि आगे इसने युग बीजेपी को इतनी गहरी खाई में डालने लग रहा है कि मारे गुजर भी कई कर दे। अगे कच्छाने में इसलिए बड़े बदमाश हैं ये, और इन्हें वोट ना दिए करो। ये तो ये जो से ये भी फिर है नहीं कांग्रेस कुंग्रेस खड़े और लटर पटर। अब मैं आगे आऊँ क्यों भाई? किसानों ने बचड़े तो दिए, बोले तो बनाए दिए, था मेरे बैठा ठह लो। अरे भाई हम विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो 40 आदमी सारे बहुत बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे वहाँ। न्यूनता हो दो जी, फिर ये गलती कड़ो हुई आपको, जिस तरह बुजुर्ग तो गए थे कच्चे वाले बढ़ नहीं देने, फिर ये बढ़ किस तरह गए? यही तो मैं कहने लग रहा था, मैं फिर रह गया नहीं बीच में। ये इन इन पार्टियों की गलती से आए हैं ये, इन्हें खूब गदर मचाया है बीच। इन्हें जो कांग्रेस है इन्हें कोई गदर नहीं मचाया ऊपर, इन्हें थोड़े ये ज़्यादा पाप पै गए होंगे, थोड़ा कर रहे थे, पापी तो वो भी थे, वो कम नहीं थे इनसे, थोड़े थोड़े पाप की वजह से ये आ गए। ये आए हैं इनके, ये सारी जो राजनीति पार्टी है नहीं, उनकी वजह से हमने वोट दे के, हम जो हमारे गुजर कहे करते भाई इनको वोट मत दो बीजेपी को, उनकी भी माननीय आपने वोट दी थी। वो तो चलो गुजर गए बेचारे, तो इनकी उसमें यानी लड़ाई का इसमें देखा भाई, तो सारी पार्टी खराब है। देखो भाई कोई मोदी पर सुने है, और भाई उसकी उसी की देख देख लो वोट, दे भाई हमने दे वोट इसकी दे, और कुछ इसके झूठा में भी आ गए, झूठ तो यार बड़े बड़े ने बका देता है। आपने की लगा था वो जो मोदी फिर कज्जा होगा जोड़ा ठाक है, मोदी का टाइम पूरा है, वो हो लिया पूरा, इब तो हूँ जी रहा हूँ, एक साल 6 महीने काट दो, साल काट दो, इससे ज़्यादा ही निकाल लेगा नहीं, इसका टाइम हो लिया। इन्हें कोई आ जाती है कोई करनी आगे पीछे की, इसका टाइम हो लिया, ये भाग जाएगा यहाँ से भाई। यू यार सारे ने अनपढ़ है भाई, किसान तो अनपढ़ है, आप तो विद्वान बने और अनपढ़ है, मने नू बता आप तो जरूर जान दोगे, क्योंकि आप तो पत्रकार बहुत सियाणा होता है। ये अपने हरियाणा में 90 सीट है विधानसभा की, 90 सीट है, तो मैं एक मिनट में पूरी करूँगा, उस पर 5 रुपये कवा के दिखा दे, मैंने खट्टर पे कवा दे, मैं कुल एक मिनट में 90 की 90 सीटों का नाम लूँगा। कंधे हो तो शुरू करा जी, टाइम देख लियो जी, एक मिनट में नारायणगढ़ छछरौली इंद्री यमुना नगर मुलाना आदमपुर भट्टू नारनौल रतिया मेन टुहाना भिवानी खेड़ा सोनीपत टोर बड़ौदा फ्रै गुहाना उचाणा कला राजौन स्पीदो कल्यात भिवानी जुलाना। यहाँ 23 हल्के होली हैं। जगाधरी असनगढ़ सरसा डब्बा वाली एलनाबाद ग्राउंडा संत पानीपत नौथस मलका शाहबाद पटौदी फिरोजपुर झिरका नू तावड़ू फरीदाबाद कलोई असनगढ़ बेरी बादली जज्जर फतेहबाद 23 ये हो गए। हाँ जी 46 हो गए। पेवा गूला कैथल पुंडरी पाई जीन नरवाणा महेंद्रगढ़ नरनौल टैली बाबल जाटू साला मुंडाल खुरु तो साम लुहारू गुड़गावा रेवाड़ी कैलाना महनल महाराजपुर बल्लभगढ़ पलवर रोड़ी सोना 25 हो गए, 73 हो गए अलग। सालावास बादरगढ़ जूंडला सिटी छावनी अम्बाला आंसी सार रोहतक मैम बाडड़ा कलानौर बरवाला राई जडुआ नागल सडौला कालका दादरी राधौर करनाल थनेसर लिल्लो खेड़ी 19 हो गए, पूरे 90 हो गए, एक मिनट ही होगी, मिनटों में कर दिया, एक मिनट हो गया जी, 32 से 33 हो गए। या भी जो है नेमत है। अच्छा चलो भाई बात नहीं, जो आप पूछेंगे तो यार उन्हीं की बात करेंगे। और ना, जो आपने बेरा है जो बड़े बुजुर्गों पर सियाणी बात है। अच्छा नहीं बताओ, आपने सारे प्रधानमंत्री देखे, 15वां प्रधानमंत्री है, आपने कौन सा याद है जिसने ठीक काम करा? भाई मैंने तो लाल बहादुर शास्त्री सबसे प्यारा लगा, क्यों मैं ईमानदार आदमी को बहुत, जब कहीं गुजरिया उस पर कर्जा था कार का, मैं ईमानदार आदमी को बहुत पसंद करता हूँ। बताऊँ भी सुना था। अच्छा जो इंदिरा गांधी का नाम लिया, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी प्रधानमंत्री हुई, इंदिरा गांधी तो टक्कर में कोई हो जाए को नहीं। चलो उसका टाइम की थी जैसी थी, पर मैं लाल बहादुर शास्त्री के मुकाबले में किसी को मान नहीं रहा, चाहे कोई कितना भी है, वो ईमानदार आदमी है। नेहरू का कुछ भाई, नेहरू का जिस दिन क्या बीजेपी आई है 2014 से, उस दिन से कह रहे हैं कि यह भी गलती नेहरू की है, वह भी गलती नेहरू की है, यू काम भी नेहरू ने कर दिया, यू भी खराब नेहरू कर गया,
ना भाई ना, हमने उसकी पूरी तरह पता नहीं है क्या गलती हुई है उससे या करी है उसके टाइम में, तो अच्छा करे उसे यार फिर उसका बुरा रिजल्ट भी आ जाता है, कोई ऐसी भी बात हो जाती है। इस तरह तुम बताना नहीं चाह रहे हो जाने का? ना 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 मैं बताना चाह रहा हूँ माने जब, अरे जब तुम हम डंगरा में रहे करते बता भाई, मैं संगे पाली तो बेरी ना मैंने ये भी को नहीं बेरा था 18 साल की उम्र में कि यह एक का लैके उरा ने जीरो लैके लानी पड़ेगी 10 बनाने खाते उरा ने लानी पड़ेगी, तो इतना भी पता नहीं। बात तो दी पढ़ाई करी है। हाँ चलो ठीक है अंकल जी, आप तो फिर बात करना दे रहा हूँ। और एक और सुन ले यार, एक और सुन ले, ये 7 महाद्वीप हैं, आप जिस महाद्वीप का नाम लेंगे नहीं उसी द्वीप के नाम गिनाऊंगा मैं, उसने मोदी तक बात पढ़ाना चाहूँगा, ये अनपढ़ कैसे कहता है ये। हाँ आप जिस महाद्वीप के कहेंगे, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, तो मैं सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का 90 लाख का क्षेत्रफल है, जो इसका सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें 22 देश हैं, तो मैं इसके छोटे छोटा है इसलिए मैं इसके देशों के नाम गिना दूंगा, और चाहिए तो और भी गिना दूंगा मैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, समोआ, पापुआ, तुवालू, नोरू, फिजी, टोंगा, मार्शल द्वीप, गुआम, पलाऊ, किरीबाती, सोलोमोन, वानू हातू, पापुआ न्यू गिनी, तस्मानिया, तोकेलाउकू, काईलैंड, फ्रेंच, पोलिनेशिया, ये हैं इसके 22 देश।